हाय ऑल एंड वेलकम टू एडुटैब। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमारे HPAS के प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सभी एस्पिरेंट्स के मन में कुछ ना कुछ हद तक करंट अफेयर्स को लेकर के कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है कि क्या हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जितनी कर रहे हैं उतनी एनफ है, हमें किन सोर्सेज से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए और करंट अफेयर्स कितनी टाइमलाइन के हमें करने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन से जुड़े हुए। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करने जाऊंगा कि आप लोगों की जो कॉमन क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर HPAS एग्जाम, उसका आंसर इस वीडियो में मैं आपको दे पाऊं। तो क्या कॉमन सवाल होते हैं जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने मन में रखते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए? सबसे पहले तो कि करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। बहुत बड़ा डोमेन है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिनको मस्ट कवर करके हमें जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से व्हाट आर द सोर्सेज टू कवर दोस करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो हम किन सोर्सेज को यूज करें उन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, क्या सोर्स रिलायबल है और एक्यूरेट है और सबसे अच्छी कवरेज हमें देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या करंट अफेयर्स के PYQs को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऑब्वियसली जिस साल एग्जाम हो रहा है उस साल या उससे पिछले साल के इवेंट्स जुड़े हुए करंट अफेयर्स होंगे। तो क्या अब मैं 2022 में या 2023 में, 2024 में, 2018 के, 19 के, 20 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं उनको पढ़ूं, उसकी क्या बेनिफिट है, उसका क्या रेलेवेंस है, ये चीज भी हमें नहीं पता चलती। नेक्स्ट, क्या हमें कितने क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के अंदर। अगर मैं जीएस के पेपर की बात करूं, 100 क्वेश्चंस आते हैं हमें प्रीलिम्स के अंदर, तो आउट ऑफ 100 हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स, क्या वेटेज है करंट अफेयर्स की, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। फिर कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के हमें कवर करने चाहिए, कि जिस महीने में एग्जाम है उस महीने से कितना टाइम पहले का करंट अफेयर्स हमारे लिए जरूरी है, और उसके बाद कि करंट अफेयर्स में हिमाचल स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्या रेलेवेंस है। प्रीलिम्स में तो हमें पता है कि करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमें करंट अफेयर्स के इवेंट्स के ऊपर, लेकिन मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हुए या एसे में एसेज लिखते हुए कितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये सभी जो 7 क्वेश्चन है इनका एक एक करके पहले मैं जवाब आपको देता हूं। पहले, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के वास्ट डोमेन के अंदर कुछ ऐसे डायमेंशन और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर रेकरिंग सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अवार्ड्स, नोबेल प्राइज से लेकर के जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरे अवार्ड्स दिए जाते हैं UN के द्वारा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसके ऊपर सवाल जरूर आते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, इंडिया के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, अर्जुना पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसके ऊपर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रिनाउंड अवार्ड्स हैं जैसे पुलित्जर प्राइज की हम बात कर लें, मैग्सेसे अवार्ड की हम लोग बात कर लें, फील्ड्स मेडल हो गया, गांधी पीस प्राइज हो गया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्राइजेस और अवार्ड जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पर वो स्पोर्ट्स जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, टोक्यो ओलंपिक्स या फिर हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, कोई रिसेंट जो टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन, चेस और ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स में जो इंडिया के इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अपॉइंटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होती है उसके ऊपर सवाल हमसे जरूर पूछे जाते हैं। और फिर UN जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल हमें एक बेसिक नॉलेज वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को के बारे में होनी चाहिए, राइट? फिर डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें भारत हिस्सा लेता है। सिंपल सवाल आता है कि डिफेंस एक्सरसाइज का नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ ये डिफेंस एक्सरसाइज की जा रही है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज जो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं वो, उसके ऊपर हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, कुछ जगहें जो खबरों में चल रही होती हैं किसी ना किसी कारण से, और जो इसरो या नासा के इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन होते हैं उसके ऊपर सवाल आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो भी बना के हमारे चैनल के ऊपर रखी है जिसको आप जाकर देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से और कैसे कवर किए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हुई पहले सवाल की बात। फिर अब सोर्सेस क्या है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए।
तो अगर मैं जनरल करंट अफेयर्स की बात करूं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, तो न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर आप इन न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करो। किसी एक न्यूज़पेपर को आप जरूर फॉलो करिए, राइट। हिमाचल के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जानने के लिए आपको द ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर फॉलो करें उसको। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़िए और उसके अंदर आपको हिमाचल की और देश विदेश की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो तो पता चली जाएंगी। और उसके बाद आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के ऑनलाइन एप्लीकेशंस या वेब ब्राउजर्स के ऊपर जाकर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। इस साइट के ऊपर आपको गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं हिमाचल की गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे जो निकलता है हर साल, वो इकोनॉमिक सर्वे बेस्ट सोर्स है हिमाचल की गवर्नमेंटल पॉलिसीज, गवर्नमेंटल स्कीम्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज के जुड़े सभी पोर्शंस को कवर करने के लिए। अब ये सारी अलग अलग सोर्सेस को कवर करना फर्स्ट हैंड सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप दूसरी किसी जॉब में भी हैं, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए गिरिराज या हिमाचल 360 जैसी कोई मैगजीन्स आप यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कवरेज आपको करंट अफेयर्स की मिल जाती है, राइट। इसके बाद ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि विजन की बात करें, एड्यूटैब भी प्रोवाइड करता है आपको और दूसरे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो ऑनलाइन कंपाइलेशंस देते हैं करंट अफेयर्स की टाइम वाइज, यानी मंथ वाइज या वीकली बेसिस पे कंपाइलेशंस मिलती हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, PIB जैसी साइट्स को रेगुलरली जाकर के एक बार देखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी आप इन कंपाइलेशंस को एक बार रिविजन के लिए यूज कर सकते हो या फिर ये देखने के लिए कि क्या जो कवरेज आपने की है वो एनफ है या नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि क्या PYQs करंट अफेयर्स के देखने चाहिए हमें। करंट अफेयर्स के PYQs देखने का ऑब्जेक्टिव हमारा कोई नॉलेज गेन करना नहीं होता है कि हम उन PYQs को पढ़ के जिस टॉपिक या जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर सवाल पूछा गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, लेकिन PYQs को पढ़ के हमें यह पता लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। PYQs को देख के हमें पता चला कि स्कीम्स के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर लगभग हर साल हमें 5-6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन दी करंट अफेयर सेक्शन, राइट। तो अगेन आउट ऑफ 100 अगर आपको 5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप से, अवार्ड से या स्कीम से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है आउट ऑफ द टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही PYQs से हमें यह भी पता चलता है कि कितने पुराने, कितने पीछे के करंट अफेयर जाकर के हमें पढ़ने की जरूरत है, तो ये टाइमलाइन भी हमें PYQs से ही पता चलती है। अब ये एनालिसिस करना आप लोगों के लिए अगर उतना आसान नहीं है तो ये एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो वीडियो भी उपलब्ध है जहां पर हमने PYQs की पूरी एनालिसिस करके आपको बताया है कि किन टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं और कितने पुराने करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स में और मेंस में करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, तो अगर आप 2021 का या 2020 का HPS प्रीलिम्स एग्जाम देखते हो तो अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं और इन 20 क्वेश्चंस जो जनरल करंट अफेयर्स के हैं उसके अलावा आपसे 5 या 6 क्वेश्चंस हिमाचल करंट अफेयर्स के भी पूछ ले जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 25 के अराउंड 1/4 ऑफ योर पेपर्स वेटेज इज करंट अफेयर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो करंट अफेयर्स को अगर आप निगलेक्ट करके जाते हो एग्जाम के अंदर तो वो बहुत जो है आपको सेल्फ हार्म करने वाला है, आपके मार्क्स कट ऑफ को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे वो बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप कितने अच्छे से सॉल्व करके आते हो। इसके बाद करंट अफेयर्स के टाइमलाइन क्या है, कितने पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए हमें, तो जनरली हम बोलते हैं कि 12 मंथ के करंट अफेयर्स आपके कवर होने चाहिए। अगर अक्टूबर में आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का तो आपको 2021 यानी कि एक साल पहले के अक्टूबर मंथ के बाद के करंट अफेयर्स पता होने चाहिए और जिस महीने में एग्जाम है उससे एक महीने पहले तक यानी अक्टूबर में है अगर, तो अगस्त तक के आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद सितंबर के करंट अफेयर्स आप रीड कर सकते हो लेकिन वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद उनसे क्वेश्चन आपको ना आए। और इसमें भी अक्टूबर में एग्जाम होने का मतलब है कि अराउंड मार्च के बाद से, उसी साल के मार्च के बाद से जितनी करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट हिमाचल का आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर अब ये क्वेश्चन हमने आंसर कर लिए कि टॉपिक्स क्या है इंपॉर्टेंट, सोर्सेस क्या कवर करने चाहिए,
PYQs की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेंस की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के टॉपिक से मेंस में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसमें आप करंट अफेयर्स की नॉलेज यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स देने के लिए, डेटा कोट करने के लिए, किसी रिपोर्ट को कोट करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए आप करंट अफेयर्स वहां पर यूज करते हो। जैसे अगर हिमाचल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए अबाउट द वेलफेयर पॉलिसीज जो ट्राइबल्स के लिए लाई गई है भाई हिमाचल गवर्नमेंट, तो वहां पर आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज ही काम आने वाला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रोकने के लिए लिए गए भारत में, तो उसके लिए अगेन आपकी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। पॉलिटी और गवर्नेंस के केस में अगर कोई नया लॉ आया है, कोई नया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो उसकी करंट अफेयर की नॉलेज आपके लिए जरूरी हो जाती है मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने के लिए। सो अगेन करंट अफेयर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम और इनडायरेक्टली फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है, फिर हाउ इंपॉर्टेंट आर द हिमाचल करंट अफेयर्स। अब हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मैंने कहा प्रीलिम्स स्टेज की अगर हम बात करें तो अगर 20 क्वेश्चन आपको जनरल करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो 4 क्वेश्चन आपको हिमाचल के भी पूछे जाएंगे वहां पर, राइट। सो अराउंड 20% ऑफ द टोटल करंट अफेयर्स कवरेज वो आपका आने वाला है फ्रॉम द हिमाचल करंट अफेयर्स। और हिमाचल करंट अफेयर्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं हिमाचल बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। और अगर हिमाचल से जुड़ी कोई पर्सनैलिटी, हिमाचल से जुड़ी हुई कोई प्लेस न्यूज में रही है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो उसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ इंपॉर्टेंट आर द करंट अफेयर्स फॉर द मेंस एग्जाम। मेंस के लिए रेलेवेंस जैसे मैंने आपको बताया अपने आंसर्स को सपोर्ट करने की है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेंस में अगर आपकी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है अच्छी तो बहुत अच्छा आप मेंस में स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टिल अगर आपकी करंट अफेयर्स की कवरेज अच्छी है, प्रीलिम्स के बाद भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहे हो, करंट डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहे हो, तो मेंस में एसे लिखते वक्त, आंसर्स लिखते वक्त बहुत आसानी आपको होने वाली है और आपका आंसर पढ़ के एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आप वेल रेड पर्सन हो, करंट अफेयर्स के साथ आप बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो और आपके आंसर में वो जो स्टैटिकनेस रहती है यानी कि बिल्कुल आपका बुकिश आंसर हो जाता है, रटा रटा ऐसा आंसर हो जाता है, उससे अलग आंसर आपका लगेगा और ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने करंट अफेयर्स बेस्ड मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, उतनी अच्छी रिवीजन आपकी करंट अफेयर्स की होती है। इसके अलावा खुद के नोट्स बना करके भी आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। जो खुद के नोट्स होते हैं वो हमेशा से बहुत ज्यादा आपको इंपैक्टफुल रहते हैं, आपके माइंड में वो बने रहते हैं काफी लंबे टाइम के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर नोट्स से रिवीजन करनी है तो नोट्स बनाने कैसे हैं, तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का जो तरीका है वो हर एस्पिरेंट का अलग हो सकता है। कुछ लोग उसको पेन पेपर के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने मोबाइल ऐप के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर करंट अफेयर्स की जो क्लिपिंग्स है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जो तरीका आपको सूट करता है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप उसको जरूर फॉलो करिए, खुद के नोट्स बनाने की जरूर कोशिश करिए। और ज्यादा चांसेस है कि अगर आप एक रजिस्टर डेडिकेटेड रखते हो करंट अफेयर्स के नोट्स का और जो भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, जो भी मैगजीन आपने पढ़ी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चली उसको शॉर्ट से शॉर्ट करके बिल्कुल कीवर्ड्स की फॉर्म में आपने लिख दिया अपने करंट अफेयर्स के नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये नोट्स बनाने बहुत जरूरी है और ये क्रिस्प होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए नोट्स कि आपको एक बार देखकर समझ आ जाए कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक चीज को आप वहां पर लिखें, ठीक है, हर एक चीज को नोट्स में नहीं डाला जाता। नोट्स हमारे बिल्कुल क्रिस्प रहने चाहिए। अगर 20 पेज के करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं किसी सोर्स से और उसको अपने नोट्स में डालना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 पेज के अंदर वो सारा कंटेंट जो है वो आपका सिमट जाना चाहिए। इतनी क्रिस्प नोट्स होने चाहिए आपके करंट अफेयर्स के। तो यहां पर आपको डायमेंशंस लिखनी पड़ती है नोट्स में। जैसे कि अगर स्कीम्स की बात करें तो हर स्कीम के बारे में हर इंफॉर्मेशन आप नोट्स के अंदर नहीं डालोगे, आप स्कीम का जो नाम है वो नाम लिखोगे, उसके बाद स्कीम को लाने वाली मिनिस्ट्री और उसका ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए जो आप नोट्स में डाल दोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगती है जो आपको खुद पता है कि आप भूल जाओगे आगे जाकर के, तो उसको भी नोट्स में थोड़ा सा डिटेल में लिख दो। और खुद के नोट्स बनाने का एक फायदा यह भी होता है दोस्तों कि लिंकेजेस बहुत अच्छी हो जाती हैं। अगर आपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो उनको लिंक करना आपस में इजी हो जाता है और मेंस में जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप लिखोगे तो वहां बहुत इजीली आप उन करंट अफेयर्स के न्यूज आइटम्स को कोट कर सकते हो, ठीक है। Now, should we read complete economic survey? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक सर्वे बहुत बल्की है, बहुत लेंथी है, क्या सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है इकोनॉमिक सर्वे में? तो मैं ये एक बार जरूर कहता हूं कि करंट अफेयर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसको सारा पढ़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए, भले ही इंटरवल्स में आप पढ़ें, लेकिन कुछ चैप्टर ज्यादा जरूरी हैं जिनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है।
जैसे कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की फिस्कल परफॉर्मेंस के बारे में एक पूरा चैप्टर होता है डेडिकेटेड, जहां पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई रहती है। जो जीएसडीपी की ग्रोथ है हिमाचल की वो दी गई रहती है, तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल सेक्टर से जुड़ा एक डेडिकेटेड चैप्टर होता है, जहां पर विमेन और चिल्ड्रन और एल्डरली और शेड्यूल ट्राइब्स एंड कास्ट जैसे जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए डेवलपमेंट के लिए लाई गई स्कीम्स उसके अंदर लिखी गई रहती है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर आता है, इसके साथ जो हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर आता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल है, वो चैप्टर्स पढ़ने ज्यादा जरूरी है। जो स्कीम्स हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में दी गई होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर शुड वी रीड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो यस, यूनियन बजट तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनियन इकोनॉमिक सर्वे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, उसके भी कुछ चुनिंदा चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। खास तौर पे इनिशियली जो मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का चैप्टर होता है कि जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है जीडीपी के अंदर नेशनल लेवल पे, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं पढ़ना चाहते यूनियन गवर्नमेंट का, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाकर के उनकी जो कंपाइलेशन आई है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, जो जिस्ट के फॉर्म में आपको ब्रीफ फॉर्म में दी गई रहती है। फिर व्हाट आर द मैगजीन्स टू कवर फॉर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की अगर मैगजीन्स की हम बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्र नाम की दो मैगजीन्स है जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं, उसके अंदर आने वाले आर्टिकल काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होते हैं। इसके अलावा हिमाचल के पर्सपेक्टिव से आप अगर हिमाचल दर्पण को या फिर आप जो हमारी गिरिराज मैगजीन है इसको अगर आप पढ़ लेते हो, तो अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिमाचल स्पेसिफिक इन मैगजीन्स के अंदर से मिल जाती है। इसमें से कोई एक ही मैगजीन पढ़नी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मैगजीन्स आप कवर करें, वो अपने आप में बहुत फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है। टाइम के हिसाब से आपको एफर्ट करना है, मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम आपका जो रिटर्न है मिलना चाहिए मिनिमम एफर्ट के अंदर। नेक्स्ट, क्या कोई सिंगल सोर्स है इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर करने का? आपने अवार्ड्स बता दिए, आपने प्लेसेस इन न्यूज बता दी, अपॉइंटमेंट्स बता दिए, स्कीम्स बता दी, अभी सारे अलग अलग डायमेंशंस कवर करने के सोर्स भी आपने अलग अलग बता दिए, क्या कोई सिंगल सोर्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? तो यस, बिल्कुल अवेलेबल है। एडुटैप के कोर्स में ही हम आपको करंट अफेयर्स की जो कवरेज प्रोवाइड करते हैं मंथली बेसिस पे, एक ही मैगजीन के अंदर ये सारी डायमेंशंस आपकी कवर की जाती है। अलग अलग डायमेंशंस की करंट अफेयर्स की न्यूज हम सेग्रीगेट करके आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरीके से शायद और भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जो आपको करंट अफेयर्स की ऐसी कंपाइलेशंस डायमेंशन वाइज करके आपको प्रोवाइड करते होंगे, राइट? तो उनको भी आप चाहें तो जरूर एक बार देख सकते हैं। और इसके बाद क्या कोई डिफरेंस है एचपीएस, एचपीएनटी और एचपीलैट के करंट अफेयर्स कवरेज में? खास डिफरेंस नहीं है दोस्तों। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अगर आप करते हो, होलिस्टिक प्रिपरेशन अगर आपकी है, नोट्स आपके टाइमली बन रहे हैं, उनको रिवाइज आप कर पा रहे हो मॉक टेस्ट के थ्रू, तो ये प्रिपरेशन आपको तीनों एचपीएस, एचपीएनटी और एलाइड में काम आने वाली है, राइट? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस हो सकता है कुछ एग्जाम्स के अंदर, जैसे एनटी और एलाइड में जो क्वेश्चंस का लेवल है उतना स्ट्रिक्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना एचपीएस के अंदर होता है, लेकिन स्टिल द डायमेंशंस जो कवर की जाती है वो सेम है तीनों एग्जाम्स के अंदर, जो टाइमलाइन है वो भी लगभग सेम है तीनों एग्जाम्स के अंदर, राइट? सो ये करंट अफेयर्स की सारी कवरेज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो अगर आप चाहते हो तो ये कवरेज हम हमारे प्रीलिम्स की 5-in-1 टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं। जितने भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स के टाइम पीरियड के आपके करंट अफेयर्स हैं, जैसे अक्टूबर में अगर हमारा 2022 का एग्जाम है तो हमने आपको लगभग जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स यहां प्रोवाइड कर रखे हैं मंथ वाइज, और हर मैगजीन के अंदर डायमेंशन के तौर पे हमने करंट अफेयर्स के न्यूज आइटम्स को सेग्रीगेट करके भी आपको दिया हुआ है। इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो गेट अ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, more than 30 tests, each test having 100 questions, CSAT के test भी इसमें include है, GS के भी, current affairs के भी, HPGK के भी, इसके बाद GK module, हिमाचल GK का video lectures and notes का module आपको मिलता है सभी components को cover करता हुआ, और आपको previous year's questions की solved PDFs भी available होती है, only in 800 rupees, right? सिमिलर टू दिस जो हमारा पावर पैक है विच इज द श्योर शॉट गारंटी टू परफॉर्म वेरी वेल इन द प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपको जीएस के भी वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स मिलते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, कंप्लीट सीसैट का भी मॉड्यूल मिलता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स रीजनिंग का मॉड्यूल मिलता है, और इसके अलावा आपको हिमाचल की जीके की पूरी कवरेज मिलती है इन 2400 रुपीज ओनली। सो ये कोर्सेज जो अगर मार्केट प्राइस की हम बात करें तो हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज इज मोर देन 3000 रुपीज, अगर हम पावर पैक की बात करें तो अराउंड 10,000 रुपीज कॉस्ट पड़ जाएगी, लेकिन बिकॉज हम जानते हैं कि आप सभी एस्पिरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम इन दोनों कोर्सेज को 800 और 2400 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज जाके चेक करिए, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन कोर्सेज के, और डेमो लेक्चर जो इन कोर्सेज के अंदर है वो डेमो लेक्चर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां पर जाकर देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से अनुकूल है या नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इन सभी सेशंस की पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो टाइमली, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन में मेरे तरफ से इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।